हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले जून माह के करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो हाफ ईयरली नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, वो नोट्स इस बार आपको अवेलेबल होगा 10 से 12 जुलाई के आसपास। उसमें मई मंथ तक का करंट अफेयर टाइप हो चुका है, जून मंथ का ऐड करना बाकी है। जैसे ही आपका ऐड हो जाएगा तो लगभग आपके 10 से 12 जुलाई के आसपास नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसका इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज़ थ्रू टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून माह। सबसे पहले नंबर पे है आपके आरंग में दुर्लभ प्रतिमाएं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आरंग, जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, इस आरंग में अभी इस पिछले महीने आपके जो जून माह है, जून माह में काफी खुदाई के दौरान काफी दुर्लभ प्रतिमाएं मिली है। ठीक है, आरंग में जो है जगह जगह पर, अलग अलग जगह में, कहीं तालाबों में खुदाई के समय, कहीं खेतों में खुदाई के समय जो है काफी दुर्लभ और प्राचीन प्रतिमाएं मिली है। ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपके देवी चामुंडा, भगवान विष्णु और उमा महेश्वर की प्रतिमा। ठीक है, देवी चामुंडा, भगवान विष्णु और उमा महेश्वर। उमा महेश्वर का मतलब यानी कि आपका शिव पार्वती। ठीक है, शिव पार्वती बोलिए या उमा महेश्वर बोलिए, उमा महेश्वर की प्रतिमा ये प्राप्त कहां से हुई है? ये प्राप्त हुई है आरंग के झलमला तालाब से। आरंग के झलमला तालाब से प्राप्त हुई है आपके देवी चामुंडा, भगवान विष्णु और उमा महेश्वर की प्रतिमा। ये जो आपकी जो प्रतिमाएं हैं, ये 6वीं से 7वीं सदी के आसपास पांडु वंशीय कालीन प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ये जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई है झलमला तालाब से, इस झलमला तालाब की खुदाई के दौरान, सफाई के दौरान जो है ये प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जो कि 6वीं से 7वीं सदी के आसपास पांडु वंशीय कालीन प्रतिमाएं हैं। देखिए, इसमें जो आपका जो प्रतिमा मिला था देवी चामुंडा को, देवी चामुंडा का जो प्रतिमा मिला था, प्रथम दृष्टया इसे देखने पर अनुमान लगाया गया था कि ये भैरव की प्रतिमा है, जिस प्रकार से उसका रौद्र रूप था। देखिए, खुदाई के दौरान ये जो प्रतिमाएं मिली है, ये खंडित अवस्था में मिली है। जेसीबी के द्वारा खुदाई किया गया, तो जेसीबी के से खुदाई होने के दौरान जो है काफी प्रतिमाएं इसमें टूट फूट गई। तो जो देवी चामुंडा की जो प्रतिमा है, पहली दृष्टि में उसे जो है भैरव की प्रतिमा मानी गई थी, लेकिन जैसे ही जो पुरातात्विकविद इसे देखे, तब उसमें बताया गया कि ये देवी चामुंडा की प्रतिमा है। ठीक है, कहां से मिला है? झलमला तालाब से मिला है। नेक्स्ट है आपके जैन तीर्थंकर की प्रतिमा। देखिए, आरंग में ही मौजूद है आपका अंधियार खोप तालाब। अंधियार खोप तालाब में मिला है एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा। जैन तीर्थंकर की प्रतिमा जो कि खंडित अवस्था में है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यह महावीर स्वामी की प्रतिमा है, जो कि पादपीठ प्रतिमा है। पादपीठ प्रतिमा मतलब पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए है। ये मूर्ति जो है खंडित है, यानी कि शरीर का आधा ही भाग जो पद्मासन मुद्रा में वो बैठे हुए है, वो आधा ही भाग इसमें शो हो रहा है, बाकी ऊपर का जो हिस्सा है वो खंडित होकर के टूटा हुआ है। ठीक, तो ये जो आपके प्रतिमा, ये किस जैन तीर्थंकर की है, ये फिलहाल अभी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रतिमा है ये महावीर स्वामी की होगी। ठीक, नेक्स्ट है आपके खंडित शिलालेख। ये जो आपके झलमला तालाब है, झलमला तालाब से ही कुछ ही दूरी पर मौजूद है आपका समिया माता मंदिर। समिया माता मंदिर, इस समिया माता मंदिर के प्रांगण में मिला है एक खंडित शिलालेख। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख में संस्कृत भाषा में कुछ उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा और पूर्व नागरी कुटिल लिपि, संस्कृत भाषा और पूर्व नागरिक कुटिल लिपि में उत्कीर्ण है। ये पूर्व नागरिक कुटिल लिपि, या इसे ही कहा जाता है उत्तर लिच्छवी लिपि कहा जाता है। ठीक, और ये जो आपका खंडित शिलालेख है, ये भी 6वीं से 7वीं सदी के आसपास पांडु वंशीय कालीन जो है ये शिलालेख है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके महिषासुर मर्दनी यक्षिणी बैल शिव पार्वती की प्रतिमा। ये मिला है आपका आरंग में मौजूद भांड देउल मंदिर के समीप एक व्यक्ति के, एक निजी क्षेत्र में। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष की जो खुद की जो निजी संपत्ति है, वहां पर मिला है आपके महिषासुर मर्दिनी यक्षिणी बैल और शिव पार्वती की प्रतिमा। तो ये जो आपका पिछला जो जून का महीना है, उसमें निरंतर आपके आरंग जो क्षेत्र है, आरंग क्षेत्र में जगह जगह से दुर्लभ प्रतिमाएं मिल रही है। ठीक है, दुर्लभ प्राचीन प्रतिमाएं मिल रही है। नेक्स्ट है आपका पाषाणकालीन औजार। अभी हाल फिलहाल में अरपा नदी के तट पर बिलासपुर में 15,000 वर्ष पुराने जो आपके पाषाणकालीन औजार है, ये इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए, एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर विनय तिवारी, जो कि आपके एंथ्रोपोलॉजी के जो आपके
प्रोफेसर है, तो इन्होंने जो है आपके अरपा नदी के तट से कुछ पत्थर के यानी कि पाषाण के औजार एकत्र किए हैं और अनुमान लगाया है कि ये जो आपके औजार है ये 15,000 साल पुराने औजार है, जिसके आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अरपा नदी के तट पर 15,000 साल पहले मानव बस्तियां बसी रही होगी। ठीक, ये जो आपके औजार मिले हैं ये खुदाई के, छिलाई के और कटाई के लिए उपयोग होते थे ये औजार। ठीक है, कुछ पत्थरों के औजार उन्होंने आपके एकत्र किए हैं जो कि अपरिष्कृत औजार थे। अपरिष्कृत औजार मतलब बिना शेप एंड साइज के। ठीक है, 15,000 साल पुराने जो मानव की बात की जा रही है वो अपरिष्कृत औजार का उपयोग करते थे, बिना शेप एंड साइज के जो पत्थरों का उपयोग वो औजार के रूप में करते थे। तो ये पत्थरों को एकत्र करके इन्होंने दावा किया है कि 15,000 साल पहले जो अरपा नदी के तट पर जो मानव बस्तियां बसी रही होगी उन मानवों के द्वारा यह औजार उपयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट है आपके केसरहिंद दरवाजा, काफी उठपटांग से ये करंट अफेयर है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताता हूँ। देखिए केसरहिंद दरवाजा, ये जो केसरहिंद दरवाजा है ये आपके रायपुर जिले में मौजूद है। इस केसरहिंद दरवाजे का जो निर्माण है 1877 में किया गया था। इसको जो है अन्य नाम से जाना जाता है लाल दरवाजे के नाम से, लाल दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंग्लैंड की जो महारानी थी महारानी विक्टोरिया, जिन्हें केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, वो 1877 में जो छत्तीसगढ़ की वाला जो क्षेत्र है उसके रायपुर में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, किसी भी बुक में ऐसा कोई तो ऑथेंटिक सोर्स हमें मिला नहीं, लेकिन जो आपके दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल आया था उसमें इस केसरे हिंद दरवाजे का जिक्र था। इस केसरे हिंद दरवाजा जो कि अभी फिलहाल जो है काफ़ी उपेक्षा का शिकार हो गया, यानी कि इसमें आके कोई लोग जो है अपने एडवर्टाइजमेंट के पॉम्पलेट्स चिपका देते हैं, काफ़ी जर्जर हो गया है, तो वहाँ के जो है आपके नगर निगम के जो अधिकारी है उन्होंने भी ये बताया कि ये जो आपके केसरे हिंद दरवाजा है इसका निर्माण वर्ष 1877 में किया गया था और ये जो है आपके रानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया के स्वागत में इस केसरे हिंद दरवाजा लाल दरवाजा का निर्माण किया गया था। ये उन अधिकारियों के द्वारा बताया गया स्टेटमेंट है, लेकिन किसी भी बुक में इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसे याद रखिएगा। देखिए 1877 में रानी विक्टोरिया का आगमन हमारे इस रायपुर वाले क्षेत्र में हुआ था या नहीं ये किसी बुक में नहीं है। ठीक, लेकिन जो आपका जो आर्टिकल आया था जिसमें नगर निगम रायपुर के अधिकारी ये जिक्र कर रहे हैं कि रानी विक्टोरिया के स्वागत में इस केसरे हिंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इसका निर्माण हुआ था 1877 में। नेक्स्ट है दो टाइगर रिजर्व। देखिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया और आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि मौजूद है आपके सूरजपुर में, ये दोनों को जो है टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अभी यह टाइगर रिजर्व बने नहीं है, इनको मिला करके टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक, केवल घोषणा की गई है यानी कि अभी प्रस्तावित है। इसमें जो है टाइगर रिजर्व, ये जो टाइगर रिजर्व बनेगा ये 2829 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में बनेगा, जिसमें जो कोर क्षेत्र है वो रहेगा आपका 2049 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका बफर क्षेत्र रहेगा आपका 780 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग जो है आपका 2800 वर्ग किलोमीटर में ये दो टाइगर यानी कि ये दो टाइगर रिजर्व बनेंगे। कौन कौन से? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य। अब इन्हें दो अलग अलग टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, दोनों को मिला करके एक बनाया जाएगा, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। देखिए भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल करंट अफेयर का टॉपिक है। देखिए भारत में जो आपके वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या है वो है 52 यानी कि 52। ठीक, अभी हाल ही में आपके जून के महीने में ही 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रामगढ़ अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जबकि हमारे प्रदेश में जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभयारण्य है इसे बनाए जाने की घोषणा की गई है यानी कि प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ कौन है? ये है पर्वतारोही, हमारे प्रदेश की पर्वतारोही, ठीक, महिला पर्वतारोही जो कि निवासी है आपके बस्तर जिले की। देखिए इन्होंने अभी हाल फिलहाल में फतह किया माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है आपका 8848.86 मीटर और दूसरा है आपका माउंट लोत्से
जो कि इसकी ऊंचाई है आपका 8,516 मीटर। ठीक, देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि जो माउंट लोत्से है ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। इस दोनों चोटियों को फतह किया है आपके नैना सिंह धाकड़ ने। इनकी उपलब्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि इस बस्तर जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोला जाएगा। ठीक है, ये जो आपके नैना सिंह धाकड़ की उपलब्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि बस्तर जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोला जाएगा। देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपकी सविता धनपाल, एक नाम है सविता धपवाल, सविता धपवाल जो कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली अविभाजित मध्य प्रदेश की महिला थी। ठीक है, वर्ष 1993 में जो आपकी भारत से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला थी आपकी बच्छिंद्री पाल, उसके दल में शामिल थी आपकी सविता धपवाल। सविता धपवाल जो कि 1993 में गई थी आपके माउंट एवरेस्ट को, उन्होंने फतह किया था। ये हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई की निवासी है। ठीक है, जो आपके दुर्ग जिले का जो भिलाई शहर है वहां की निवासी सविता धपवाल, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में यानी कि 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। दूसरे नंबर पर है आपके राहुल गुप्ता, जिन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है आपके नैना सिंह धाकड़, जिन्होंने अभी वर्ष 2021 में आपके माउंट एवरेस्ट को फतह किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को जो है माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है पूछा जाए तो वो होगी आपके नैना सिंह धाकड़। क्यों? क्योंकि नैना सिंह धाकड़ जो है विभाजन के पश्चात माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही है, जबकि जो सविता धपवाल है वो अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की आपकी पर्वतारोही कहलाएगी उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो तीनों का नाम और तीनों का ईयर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी रहा आपके नैना सिंह धाकड़ का नाम, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय ऐसा न्यूज आया था कि जो आपकी नैना सिंह धाकड़ है वो अस्वस्थ हो गई थी, जिसके पश्चात एक और महिला पर्वतारोही है हमारे प्रदेश की याशी जैन, जिन्होंने इनकी मदद की पर्वता जो माउंट एवरेस्ट को फतह करने में इनकी मदद की, लेकिन बाद में काफ़ी विवाद हुआ कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ था, याशी जैन ने मदद नहीं किया, तो ऐसे काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा ये भी, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और पर्वतारोहण एकेडमी कहाँ खोला जाएगा पूछा जाए तो वो है आपके बस्तर जिले में। नेक्स्ट है आपका पोलावरम बांध परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलावरम बांध परियोजना जिसकी शुरुआत हुई थी आपके वर्ष 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस नदी पर बनाया जा रहा है ये पोलावरम बांध परियोजना? ये बनाया जा रहा है गोदावरी नदी पे। इससे लाभान्वित कौन सा राज्य होगा? इससे लाभान्वित होगा आपके आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के जो आपके निवासी है वो इससे जो है लाभान्वित होंगे, लेकिन इससे प्रभावित कौन कौन सा हो रहा है? प्रभावित यानी इस बांध के बनने से कौन कौन सा आपका राज्य प्रभावित हो रहा है? वो है आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा राज्य के काफ़ी क्षेत्र जो है इस पोलावरम बांध परियोजना के डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि जो इसका डुबान क्षेत्र है इसके डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी आपके गाँव है उन्हें विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, यानी बहुत से गाँव जो है इन राज्यों के डूब जाएंगे इसके डुबान क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से से दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए बहती है गोदावरी नदी, और इस गोदावरी नदी पर बन रहा है आपका पोलावरम बांध। ठीक है, लक्ष्य है कि ये जून 2022 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में इससे प्रभावित हो रहा है आपका सुकमा जिले का कोंटा क्षेत्र। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा क्षेत्र में भी जो है मुख्य रूप से प्रभावित हो रही है दोरला जनजाति। लगभग 55-60% जो आपकी दोरला जनजाति की जो आबादी है वो प्रभावित हो रही है आपके इस पोलावरम बांध परियोजना के अंतर्गत, जबकि इसमें विस्थापित होंगे हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र के अंतर्गत 545 किसानों के 1390 हेक्टेयर रकबा जो है इसके डुबान क्षेत्र में चले जाएगा, और लगभग 1400 लोग यानी कि सात गांव के 1400 लोग विस्थापित किए जाएंगे दूसरे जगह, क्योंकि उनका जो गांव है इसके डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये जो पोलावरम बांध परियोजना है जिसमें टोटल आपके 48 गेट बनाए जाएंगे और साथ ही साथ इसमें 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और ये इसका लाभ मिलेगा केवल आंध्र प्रदेश को, बाकी इससे प्रभावित अन्य 3 राज्य है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध, कुछ वन लाइनर है, इसे बताने के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, सिंगल वन लाइनर है, याद करते हुए चलिए, अगर क्वेश्चन आ रहा हुआ तो डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका जोकर बटरफ्लाई। अभी हाल फिलहाल में हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा वाले क्षेत्र में आपके जोकर बटरफ्लाई देखा गया, ठीक है। ये जोकर बटरफ्लाई पाए जाने वाला के जो आपके राज्य है उसकी श्रेणी में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये देश में नौवां राज्य बन गया जहां पर आपके जोकर बटरफ्लाई पाई गई, ठीक। सेकंड नंबर पर है आपके बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक, एक पुस्तक है जिसका नाम है आपका बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें बटरफ्लाई यानी कि तितलियों की 170 प्रजातियों का उल्लेख है। इस पुस्तक की लेखिका है आपकी IFS ऑफिसर जिनका नाम है संगीता गुप्ता, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडस मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क जो कि निजी क्षेत्र का एक मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया है आपका बेमता सरोरा जो कि रायपुर जिले में है। रायपुर जिले के बेमता सरोरा में निजी क्षेत्र की एक फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है इंडस मेगा फूड पार्क। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि इस साल लगभग 110 मेगा फूड पार्क के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी यानी कि प्रस्तावित होंगे। और इसके साथ ही याद रखिएगा कि देश का दूसरा सबसे बड़ा जो आपका फूड पार्क है यह बन रहा है आपके सेमरा बस्तर, ठीक है, बस्तर जिले के सेमरा गांव में बन रहा है आपका देश का दूसरा सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क। देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क मौजूद है आपके आंध्र प्रदेश में, दूसरा सबसे बड़ा होगा आपका सेमरा बस्तर। देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क आप एक जगह और पढ़े होंगे जो कि है आपके बगौत धमतरी में, लेकिन वो भी अभी निर्माणाधीन है, ये भी अभी निर्माणाधीन है, ये लगभग 10 एकड़ की भूमि पर बन रहा है। अब दोनों में से जो भी पहले बनेगा वो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सात धार मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर और दूसरा है आपका बोध घाट मगरमच्छ पार्क, ठीक है। देखिए, सात धार मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर यानी कि मगरमच्छ का जो आपका प्रजनन केंद्र और दूसरा है बोध घाट मगरमच्छ पार्क यानी कि मगरमच्छों का जो आपका प्राकृतिक आवास, ये प्रस्तावित है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी के तट पर ये दो आपका सात धार मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर और बोध घाट मगरमच्छ पार्क, ये दोनों प्रस्तावित है, अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मगरमच्छों के बच्चे मिले हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर लगभग 17-18 मगरमच्छ के बच्चे मिले, तो उस समय ये न्यूज़ में आया कि सात धार मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर और आपके बोध घाट मगरमच्छ पार्क, ये दोनों प्रस्तावित है दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी के तट पर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, ये भी काफी विवादों में रहा। देखिए, जो आपका ये जितने भी आयोग होते हैं ना, ये सभी के सभी आयोग सरकार बदलने के साथ साथ इस आयोग के अध्यक्ष भी बदल जाते हैं, जैसे कि पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने जितने भी आयोग है उसके सभी पदाधिकारियों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया या उनके स्थान पर अपने अधिकारियों को बैठा दिया। तो ऐसे ही हुआ था, जो छत्तीसगढ़ ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे आपके थानेश्वर साहू, लेकिन जो पूर्व अध्यक्ष थे आपके सियाराम साहू, उनका कार्यकाल पूर्ण होना बाकी था, इस आधार पर उन्होंने जो है बिलासपुर हाईकोर्ट पे एक दावा पेश कर दिया, जिसके आधार पर जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो सियाराम साहू के पक्ष में आया और सियाराम साहू थानेश्वर साहू के स्थान पर पुनः छत्तीसगढ़ ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। इनका नाम याद रखिएगा, काफी विवादों में रहे ये, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, सियाराम साहू। नेक्स्ट है चट्टान ओपन म्यूजियम। देखिए, चट्टानों का लगभग 25 करोड़ वर्ष पुराने जो चट्टान है उनका एक ओपन म्यूजियम खोला जा रहा है रविशंकर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल विभाग के द्वारा, ठीक है। रविशंकर यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर में मौजूद है, उसके जियोलॉजिकल विभाग के द्वारा आपका चट्टानों का एक ओपन म्यूजियम खोला जा रहा है जहां पे 25 करोड़ वर्ष पुराने चट्टान भी यहां पे सैंपल के तौर पे रखे जाएंगे, ठीक। देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मानसून। ऑपरेशन मानसून, ये जो ऑपरेशन मानसून है ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। ऑपरेशन मानसून जो है ये नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन में जो आपके CRPF और कोबरा बटालियन है उनके जवानों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन मानसून, जो कि नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन है। अब देखिए, ये है क्या, इसे समझिएगा। ये मानसून, मानसून मतलब मानसून के महीने में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो कि नक्सलों के, नक्सलवादियों के सर्चिंग ऑपरेशन है।
तो इसे मानसून के महीने में क्यों चलाया जा रहा है? जो आपका बस्तर का जो अंचल है ये काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, जंगल वाला क्षेत्र है, तो बरसात के मौसम में जो जंगल क्षेत्र है ये अपने आप में काफ़ी भयावह हो जाता है, ठीक है। जो आप जैसे बरसात के समय जंगलों में काफ़ी कीड़े मकोड़े सांप ये सभी निकल जाते हैं, और साथ ही साथ जो नदियाँ भी अपनी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी उफान पर रहती है। तो इस स्थिति में नक्सलवादियों का जो है इस जंगल वाले क्षेत्र में रहना उनके लिए भी दुर्गम हो जाता है, वो इस नक्सल ये जो आपके जंगल वाले क्षेत्र में नक्सलवादी भी सही तरीके से नहीं रह पाते। इन्हें जो है मानसून के समय किसी ऊंचे स्थान पर पहाड़ों पर या किसी एक टीले पर आकर के रहना पड़ता है। इस कंडीशन में यानी कि मानसून के समय नक्सलवादियों को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है इन जवानों के द्वारा, यानी कि जो भारतीय जवान है उनके लिए आसान हो जाता है नक्सलवादियों को ढूंढना। तो इसी कड़ी में जो है पिछले 3 साल से चलाया जा रहा है ऑपरेशन मानसून, और ऑपरेशन मानसून के तहत अब तक जो है 50 के आसपास नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का पहला कांच का पुल। प्रदेश का पहला कांच का पुल ये बनाया जा रहा है आपका टाटामारी कोंडागांव, कोंडागांव जिले के केशकाल के अंतर्गत है आपका टाटामारी, जहां पर दो पहाड़ों के बीच कांच का पुल बनाया जा रहा है, ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट एक कांच का पुल बनाया जा रहा है आपके टाटामारी कोंडागांव जिले में। नेक्स्ट है आपका CSE सुशासन रैंकिंग और लिविंग इंडेक्स। CSE मतलब सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें सुशासन की रैंकिंग में हमारे प्रदेश की जो आपकी राजधानी है रायपुर वो 2nd स्थान पर है, जबकि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये 8th नंबर पर है, ठीक है। तो CSE की जो आपकी सुशासन की रैंकिंग है उसमें रायपुर जो आपका रायपुर जिला है वो 2nd स्थान पर है, जबकि लिविंग इंडेक्स में 8th स्थान पर है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रकारिता सम्मान 2021। माधवराव सप्रे जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर 19 जून को आयोजित किया गया था आपका एक सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में यानी कि वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन में पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रकारिता सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया डॉक्टर कुसुम खेमानी को। डॉक्टर कुसुम खेमानी जो कि एक महिला लेखिका है जो कि कोलकाता की निवासी है, ठीक है, हिंदी भाषा में जो लेखन के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा पंडित माधवराव सप्रे साहित्य समग्र एक पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति दी गई है, जो कि 6000 पृष्ठ की पंडित माधवराव सप्रे द्वारा लिखित आपकी पंडित माधवराव सप्रे की साहित्य का एक संग्रह होगा, जिस पुस्तक का नाम होगा पंडित माधवराव सप्रे साहित्य समग्र। नेक्स्ट है आपके amazon.com, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है amazon और flipkart, ठीक, तो उसमें से जो आपका amazon है, amazon में हमारे छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र के 23 उत्पादों को शामिल किया गया है, जो सहकारी समितियों के द्वारा, जो महिला समितियों की महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो उत्पादन बनाया जाता है, जो वनोपज से जो उत्पादन बनाए जाते हैं, तो कुल 23 प्रकार के जो आपके वन उपज है उसे शामिल किया गया है amazon.com में, यानी कि अब ये amazon.com में उपलब्ध होगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पहला ऑर्डर किया गया amazon में बस्तर अंचल के शहद का। ठीक, नेक्स्ट देखिए पौधा तुहर द्वार योजना। पौधा तुहर द्वार योजना यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पौधारोपण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पौधा तुहर द्वार योजना यानी कि लोगों को घर घर में जाकर के पौधा वितरण किया जाएगा, ये योजना चलेगी आपके 25 जून से लेकर के 31 जुलाई तक। इस डेट को याद रखिएगा, 25 जून से लेकर के 31 जुलाई। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा कि पौधा तुहर द्वार योजना कब से कब तक चलाया गया, 25 जून से लेकर के 31 जुलाई तक। नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य सेवाओं। स्वास्थ्य सेवाओं को इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। किसी भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।